आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर की एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, हैदराबादी पनीर मसाला। यमी इंडियाज किचन। नमस्कार दोस्तों, यमी इंडियाज किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है हैदराबादी पनीर मसाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल बटन को भी दबा लें, जिससे कि हर नए अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेसिपी में इस्तेमाल किए गए सामग्री का लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी इंग्लिश में देखना है तो आप हमारे इंग्लिश चैनल पर जाएं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये गर्म हो गया है अभी। इसमें हम डाल लेंगे 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। इसे थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा। इसके साथ हम डाल लेते हैं 4-5 लहसुन, जिसे कि मैंने इस तरह से कुछ काट लिया है, बहुत छोटे काटने की जरूरत नहीं है। 1 इंच अदरक, इसे भी मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं। इसे थोड़ा सा इसे चला देते हैं। इसमें डाल लेते हैं 8-10 काली मिर्च, 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसे बस थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने रफली ऐसे चॉप कर लिया है, बहुत बारीक काटने की जरूरत नहीं है। और साथ में डाल लेता हूं मैं 3 हरी मिर्चें, जिसे बीच से मैंने स्लिप कर दिया है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। इसे भूनते हुए लगभग 2 से 2.5 मिनट हो गया है। प्याज हमारा ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, कुछ इस तरह से रफली चॉप, हमें बहुत बारीक नहीं काटना है इसे भी। इसके साथ ही हम डाल लेते हैं स्वादानुसार नमक, इसे चला लेते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को बहुत बारीक नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे इसे पीसना ही है, तो आप कैसे भी रफली चॉप कर लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें अब हम डाल लेते हैं 1/2 कप पालक और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 कप धनिया पत्ती। डंठल के साथ आप इसे यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे हम चला लेते हैं। और ऐसे ही इसे अब हम 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। इसे पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है और देखिए, ये टमाटर पालक सब अच्छे से इसमें मिक्स होने लगा है। टमाटर अच्छे से हमारा गल गया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम उसे पीस लेंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम अपना पनीर तैयार कर लेते हैं। सेम बर्तन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे इसे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे कुछ इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। हम इसमें डाल लेते हैं और इसे हल्का फ्राई कर लेते हैं। इसमें हमें ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, एक बर्तन में ही आप सारा कुछ बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई करें। पनीर की और भी रेसिपीज अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको पनीर की बहुत सारी रेसिपीज मिलेगी। हमें इसे बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे भून लेना है। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसे एक ग्राइंडर में डाल लेते हैं। इसे अब हम पीस लेते हैं।
मसाला हमारा अच्छे से पिस गया है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। हमने सेम फ्राइंग पैन लिया है जिसमें पहले से थोड़ा ऑयल पड़ा हुआ था, इसमें हमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने फ्राइंग पैन को फिर से गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल लेते हैं अपने ये पिसे हुए मसाले और इस कंटेनर में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से सारे बच लगे हुए मसाले निकाल कर इसमें डाल लेते हैं। हमने ये भी डाल दिया है इसमें, इसे एक बार चला लेते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से भूनते हैं। इसे भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसे हम मिला लेते हैं। इसे थोड़ा और भून लेते हैं। इसे भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने फ्राइड पनीर। इसको एक बार इस पे चला लेते हैं। इसमें हम डाल लेते हैं 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। तो चला लेते हैं इसे। और अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। मैंने यहां पे लगभग 1/2 कप पानी डाला है। अच्छे से इसे मिला लेते हैं। थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं इसमें और ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। इसे पकाते हुए लगभग 1 मिनट हो गया है। एक बार इसे चला लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच क्रीम का। इसे मिला लेते हैं। क्रीम ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे अब हम प्लेट कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा स्वादिष्ट हैदराबादी पनीर मसाला बनके तैयार हो गया है। आप इसका लुफ्त उठाएं। अगर आपको ये रेसिपी इंग्लिश में देखनी है तो आप हमारे इंग्लिश चैनल पे जाएं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।